हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर एनालिसिस वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी मार्केट में कहीं ना कहीं हमें नियरली 2% की गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, बट उसके बाद हमारा मार्केट जो है वो हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पाया। तो दोस्तों, अब जैसा कि मार्केट के अंदर हमें आज पूरा दिन एक नेगेटिव साइड की फॉल देखने को मिली है, और कल जैसे कि एक वीकेंड है, कल फ्राइडे का दिन है, तो उसके बाद मार्केट में 2 दिन की हॉलीडे रहेगी, तो हमारा मार्केट कल के दिन किस डायरेक्शन में हमें क्लोजिंग दे सकता है? क्या हमारे कल के लिए लेवल्स, क्या टारगेट्स रहने चाहिए? इन सब चीजों का आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि सबसे पहले हम निफ्टी पर आते हैं, तो निफ्टी पर आप देख पाएंगे कि निफ्टी में आज मार्केट अपर साइड पे बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाया, और एक काइंड ऑफ रैपिड फॉल हमें देखने के निफ्टी के अंदर मिल गई। और एग्जैक्टली आप देख पाएंगे, ये मैं आपके लिए कुछ लेवल्स बना के लेके आया हूं। अगर मैं दोस्तों थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये आप देख पाएंगे निफ्टी के लिए एज अ रेसिस्टेंस फेस हो रहा है, और ये रेसिस्टेंस कौन सा लेवल है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे आके दिखा देता हूँ। तो आप देख पाएंगे प्रीवियसली मार्केट को जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का काम कर रहे थे, आप एक बार ही देख पाएंगे यहाँ पे इसको मार्केट को रेसिस्टेंस फेस हो रहा था इन्हीं रेंजेस पे, और एग्जैक्टली एक ब्रेकआउट के बाद आप देख पाएंगे कितनी अच्छी रैली हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिली। और एग्जैक्टली इस फॉल के बाद मार्केट ने एक अच्छी खासी सपोर्ट यहां से फेस करी, उसके बाद एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद वापस से यहीं पर ही मार्केट ने सपोर्ट फेस करी, और ये पूरा यहाँ पे आप देख पाएंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का क्लस्टर बनता हुआ हमें निफ्टी के अंदर दिख रहा है। तो अब ब्रेकआउट के बाद दोस्तों ये मार्केट को एज अ रेसिस्टेंस फेस हो रहा है, और आपको मैं अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आके दिखाऊं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं हम, तो मार्केट इन्हीं लेवल्स के ऊपर कहीं ना कहीं प्रीवियसली बार बार रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। एग्जैक्टली आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट को रेसिस्टेंस फेस हुआ, और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं आज के दिन मार्केट ने रेसिस्टेंस फेस कर लिया। तो जब तक दोस्तों इस रेसिस्टेंस को मार्केट ब्रेक नहीं करता, जो कि हमारे नियरली लेवल्स है 16,900, 16,950, ये मार्केट को एज अ रेसिस्टेंस फेस होने वाले हैं। जब तक इनको मार्केट ब्रेक नहीं करेगा, हम मार्केट में पॉजिटिव साइड की अपॉर्चुनिटी निफ्टी में बिल्कुल भी ग्रैब नहीं करने की कोशिश करेंगे। बट अगर हमारा निफ्टी एक इंपॉर्टेंट रेंज, एक फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर इस साइडवेज रेंज को ब्रेक कर देता है, जो कि आपका 16,480 के आसपास की रेंज बनती हुई दिख रही है, क्योंकि आप छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मार्केट को इस प्रीवियसली इस पूरे रेंज में कहीं ना कहीं सपोर्ट फाइंड हो रही थी, और इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट को एग्जैक्टली ये एज अ रेसिस्टेंस फेस हुआ। तो अब मार्केट में कहीं ना कहीं अगर इस लेवल को वापस से ब्रेकआउट करता है, तो एक अच्छी खासी नेगेटिव साइड की फॉल वापस से हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है, और एक अच्छा खासा मोमेंटम हम निफ्टी के अंदर ग्रैब कर जाएंगे। दोस्तों, मैंने आपको ये लेवल क्यों बना के दिए हैं, मेरी थोड़ी सी साइकोलॉजी क्या चल रही है वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता पसंद करूंगा। आप थोड़ा सा, मैं पहले इन ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूं। जी, आप दोस्तों देखेंगे तो निफ्टी एक काइंड ऑफ पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, और एग्जैक्टली इस पैटर्न की हमें हाफ फॉर्मेशन देखने को मिल चुकी है। आप एग्जैक्टली देख पाएंगे तो ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं इसका लेफ्ट शोल्डर हो चुका है, और ये कहीं ना कहीं इसका हेड हो चुका है। अब कहीं ना कहीं अगर मार्केट इस रेंज के अंदर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, तो ये हमारे लिए कंप्लीटली एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन जाएगा, जिसके बाद अगर हमें मार्केट एक ब्रेकआउट देता है हमें, तो एक सक्सेसफुल एक इंट्राडे का टारगेट, हमें सिर्फ इंट्राडे नहीं, एक मार्केट के अंदर ट्रेंड रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी एक बहुत अच्छी खासी हमें देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अब आते हैं हमारे अगले इंडेक्स पे, जो कि हमारा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की दोस्तों मैं आपसे बात करूं, तो बैंक निफ्टी में आप एग्जैक्टली देख पाएंगे तो थोड़े से डेली टाइम फ्रेम पे मैं आके आपको दिखाऊंगा, तो आज एक गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ने वापस से अपनी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अपनी पोजीशन बना ली है। कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट सस्टेन कर चुका है, और अगर कल हमारा मार्केट पॉजिटिव साइड की तरफ जाता है तो हम निफ्टी को अवॉइड करके बैंक निफ्टी को ट्रेड करना पसंद करेंगे, और बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी रैली हमें निफ्टी इंट्राडे के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों, बैंक निफ्टी को आपको ट्रेड कैसे करके चलना है वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो आप देख पाएंगे तो बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेंज मैं आपके लिए बना के लाया हूँ। अगर आपको पॉजिटिव साइड पे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, तो आपको वेट करना होगा कि 34,660 का लेवल ब्रेक हो, जिसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। बट अगर बैंक निफ्टी भी नेगेटिव रहता है और आपका एक इंपॉर्टेंट क्लस्टर ब्रेक कर देता है, जो कि आपका 34,120 का लेवल है, और एग्जैक्टली एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो कि ये ट्रेंड लाइन हमारी बनती हुई दिख रही है, इसको भी बैंक निफ्टी ब्रेक कर देता है, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम नेगेटिव साइड पे हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी आता हुआ दिख जाएगा। तो दोस्तों, आपको अब पॉजिटिव साइड के लिए अगर ट्रेड करना है तो आप बैंक निफ्टी को ट्रेड करके चलेंगे, और अगर आपको नेगेटिव साइड के लिए ट्रेड करना है तो आप बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को ही चूज करके चल सकते हो। दोस्तों, अब आते हैं हमारे स्टॉक्स की लिस्ट पे, जो बेस्ट 4 स्टॉक्स मैं आपके लिए इंट्राडे के लिए लेके आया हूं। आई होप मैंने आपको इंडेक्सेस की एनालिसिस क्लियरली समझा दी होगी। तो स्टॉक्स की लिस्ट पे आते हैं, तो सबसे पहला स्टॉक जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है आपका एचडीएफसी बैंक। प्राइवेट सेक्टर्स का दोस्तों मोस्ट हैवी वेटेड स्टॉक है, और निफ्टी में भी कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट इसकी
मान्यता है। आप देख पाएंगे अगर इस हमारा HDFC बैंक अपर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पाया, आप एग्जैक्टली देखेंगे जो इसको प्रीवियसली एज अ रेसिस्टेंस फेस हो रहे थे, आज मार्केट में गैप अप ओपनिंग के बाद कहीं ना कहीं ये इसको एज अ सपोर्ट फेस हो रहा है। और अगर मार्केट कल हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पाया और इसने अपनी इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को ब्रेक कर दिया, तो कहीं ना कहीं आप इसके अंदर डायरेक्टली जो अपनी एंट्री है वो एग्जीक्यूट करके चल सकते हो, जिसमें आप जो अपना एंट्री है वो 1380 के लेवल पे एग्जीक्यूट करके चलोगे, जिसमें जो आपका स्टॉप लॉस है दोस्तों वो स्टॉप लॉस मैंने आपका बहुत छोटा और बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखा है, जो कि आपका 1386 के लेवल पे रहने वाला है, जिसमें आप जो अपना टारगेट है वो काफी बड़े रख के चल सकते हो। जो फर्स्ट टारगेट आपका 1378 का लेवल है और सेकेंड टारगेट आप 1370 के नियर लगा के चल सकते हो। दोस्तों अब आते हैं हमारे अगले स्टॉक पे, जो कि आपका IT सेक्टर्स का LTI। LTI के अंदर दोस्तों मेरी कोई रॉकेट साइंस एनालिसिस नहीं है, पहले मैं आपको प्राइजेक्शन पहले क्लियरली बताना पसंद करूंगा, उसके बाद ही हम लेवल्स पाएंगे। तो आप देख पाएंगे कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं नीचे से ही आपका हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन बनाता हुआ आ रहा है। आप देख पाएंगे कि इस स्टॉक में हमें कहीं ना कहीं हायर हाइज एंड हायर लोज की फॉर्मेशन देखने को मिल रही थी, बट आज के दिन मार्केट में हायर हाई की जगह एक नया लोअर हाई हमें देखने को मिला है। और अगर कल मार्केट में ये एक ट्रेंड रिवर्सल की इंडिकेशन है, जिसको हम कह भी सकते हैं कि एक काइंड ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न है ये, ठीक है, और इस कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट अगर कल हमें मिल जाता है तो एक नेगेटिव साइड की तरफ बहुत अच्छी खासी फॉल हमें LTI के अंदर देखने को मिल सकती है। अब जो हम अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे वो इनिशिएट हम 6245 के लेवल पर करके चल सकते हैं, जिसमें आपको जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस आपका 6280 के लेवल का रहने वाला है। अब दोस्तों जो आपका अपना टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट आप 6220 के लेवल लगा के चलेंगे, और जो आपका सेकंड टारगेट है वो सेकंड टारगेट आप 6210 के लेवल पे लगा के चल सकते हो। दोस्तों अब आते हैं हमारे अगले स्टॉक पे, जो कि आपका मेटल सेक्टर्स का NMDC। NMDC में दोस्तों मेरी कोई रॉकेट साइंस एनालिसिस नहीं है, एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, एक काइंड ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, और इसका ब्रेकआउट हमें जैसे ही मिलेगा हम इसके अंदर डायरेक्टली अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव साइड पे मिले चाहे वो नेगेटिव साइड पे। पॉजिटिव साइड पे दोस्तों आपको 154 के ऊपर अपनी जो बाइंग इनिशिएट करके चलनी है, जिसमें आपका जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ 1 रुपीज का स्टॉप लॉस रहने वाला है, जो कि आपका 153 रुपीज का है, जिसमें आपको जो टारगेट है वो टारगेट काफी बड़े रख के चलेंगे आप। जो फर्स्ट टारगेट है आपका 156 का लेवल रहने वाला है, और जो आपका सेकंड टारगेट है वो 157 के आसपास आप लगा के चल सकते हो। यहीं अगर हम दोस्तों नेगेटिव साइड की बात करें, तो नेगेटिव साइड पे जो आप अपना सेलिंग इनिशिएट है वो सेलिंग इनिशिएट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लेवल्स को छोड़े, अगर आप प्राइजेक्शन के पेपर बेसिस पे ट्रेड करते हैं तो एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद ही कहीं ना कहीं डायरेक्टली अपनी एंट्री जो है वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, चाहे वो 151 के लेवल पे मिले आपको चाहे वो 152 के लेवल पे मिले। और जैसे ही आपको एंट्री एग्जीक्यूट होगी आपके इन लेवल्स पे, आप जो अपना स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस 152 के लेवल पे लगा के चलेंगे, जिसमें आपको जो टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट आपका 149 का लेवल रहने वाला है, और जो आपका सेकंड टारगेट है वो सेकंड टारगेट आप 148 के लेवल पे लगा के चल सकते हो। दोस्तों आई होप मैंने आपको NMDC की एनालिसिस क्लियरली समझा दी होगी। तो अब आते हैं हमारे कल के आखिरी स्टॉक पे, तो आखिरी स्टॉक दोस्तों हमारा निफ्टी का मोस्ट हैवी वेटेड स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज की दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा, तो थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे पहले आपको दिखाना पसंद करूंगा मैं कि ये प्राइजेक्शन हमें बताना क्या चाह रहा है। और एग्जैक्टली आप देख पाएंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन थी, जो कि एक ट्रेंड लाइन थी, उस पर से एक रिवर्सल तो ले लिया है, बट कहीं ना कहीं एक ही क्लस्टर है जो कि इसको एज ए रेजिस्टेंस बार बार फेस हो रहा है। आप देख पाएंगे यहीं पर ही कहीं पर इसने हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया था और एक फॉल दी थी, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये इसको बार बार एज ए रेजिस्टेंस फेस हो रहा है आप देख पाएंगे। और अगर कल ये इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेक कर देता है और हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहते हैं, तो एक बहुत आउटस्टैंडिंग मोमेंटम हमें रिलायंस के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इसके अंदर जो आप अपनी बाइंग है वो बाइंग इनिशिएट करके चलेंगे 2405 के लेवल पे, जिसमें आपका जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस 2393 के लेवल पे रहने वाला है। अब दोस्तों जो आप अपना फर्स्ट टारगेट लगा के चलेंगे वो फर्स्ट टारगेट आपका 2430 के लेवल रहने वाला है, और जो आपका सेकंड टारगेट है वो 2445 के लेवल पे आप लगा के चल सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की इंट्राडे की एनालिसिस। अब दोस्तों हमारे ग्लोबल क्यूज और हमारा डाटा कल के दिन हमें प्री मार्केट सेशन में क्या इंडिकेशन देता है, ये सब चीजें मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, जिसमें हम लाइव मार्केट की अपडेट्स देते रहते हैं, आप नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।